इतनी सारी वेजिटेबल्स को देख के आप सोच रहे होंगे कि आज की कौन सी खास रेसिपी है मॉम का तड़का में। विद दिस लवली मॉम एंड फाउंडर ऑफ जायका का तड़का हम लाए हैं आज एक बहुत ही खास और सबकी पसंदीदा तवा सब्जी, जो शादियों में मिलती है, बहुत पसंद आती है लोगों को, चाव से खाते हैं। आज हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे जायका का तड़का में। आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मॉम स्टार्ट करें रेसिपी। ये हमारी सारी तवा वेजिटेबल्स है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो सारी सब्जियां तवा सब्जी में काम आ सकती है। तो ये मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसके ऊपर ये कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले ये सारी जो वेजिटेबल्स है इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद तवा सब्जी बनाएंगे। 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। पोटैटोज है, ये जल्दी सॉटे होंगे। इसके मैंने पोटैटोज को छोटे साइज के पोटैटोज में से एक में से 2 या 3 पीस कट कर लीजिए आप। अब ये कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी गोभी में डाल दूंगी, छोटे छोटे पीसेस हैं। ये करेले हैं, ये परवल है, परवल डाल दूंगी मैं, तिंदोरे बोलते हैं इनको, तिंदोरे परवल, इसको 2 पीसेस में हमने काट लिया है। हमें ब्रिंजल है, बैंगन है, इसको बीच में से कट कर लूंगी और इनको बीच में डाल दूंगी। हम एक बार दिखाएंगे आप कैसे कट कर रहे हैं। हाँ, पहले एक ये कट करा आपने, ये कट किया और फिर ये, तो बेसिकली 4 पीस पर है। हाँ, 4 पीस, 4 पीसेस में ऐसे कट करके हमने डाला है छोटे छोटे बैंगन को। कैप्सिकम थोड़ी टाइम बाद डालेंगे हम, ये कुक हो जाएंगे तब। तो देखिए अब हमने इसको मीडियम फ्लेम में ढक के रख दिया है। और मॉम कितनी देर तक इसको रखना है? बीच बीच में हम चेक कर लेंगे इसको चलाते हुए, हमारे आलू और गोभी ये सब अच्छे से मतलब क्रंची हो जाए, कुक हो जाएंगे, तो हम बंद कर देंगे इसको। चलाते रहिए बस इसमें ऐसे, तो 8 से 10 मिनट लग जाएंगे सारी वेजिटेबल्स ही कुक होने में। उसके बाद अपने को सीधा तवे पर ही इसको सब्जी बनानी है। तो देखिए अब 8 से 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए और कुक हो गई हमारी वेजिटेबल्स, कलर भी आ गया है इसमें। अब हम इसमें ये जो बाकी की सब्जियां हैं बची हुई वो भी डाल देंगे। ये स्मॉल साइज के छोटे अनियन है, यदि आपके छोटे नहीं हो तो आप बड़े अनियन के 4 पीस कट कर लीजिए, वो मैं डाल रही हूँ। ये कैप्सिकम है, ये ग्रीन और रेड और येलो तीनों कलर की, क्यों कैप्सिकम और इनको अनियन और इनको चिलीज को कुक होने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम इनको थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। ये मैं 2 ग्रीन चिली डाल रही हूँ। देखिए बीच में स्लिट लगा लेते हुए ये, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इनको भी कर लेते हैं सॉटे 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, तब तक हम साइड में इसका मसाला बनाते कर लेते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, इसको हम डाल रहे हैं। ये एक्यूरेट इतना ही लेना है जो मसाला मैं बता रही हूँ इसमें। ये 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून मैंगो पाउडर है, अमचूर पाउडर। ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, प्लेन सॉल्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला जो बनेगा वो तवा सब्जी के टेस्ट को बहुत ही बढ़िया मतलब कर देता है। और ये किसी भी सूखी सब्जी जो ड्राई सब्जी आप बनाते हो उसमें डाल सकते हो, तो उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा सब्जी का। ये मॉम का तड़का शो में आज हम आपको तवा वेजिटेबल सिखा रहे हैं। शादियों में बहुत ही पॉपुलर है ये रेसिपी, स्पेशली नॉर्थ इंडियन शादियों में तवा सब्जी मस्ट होती है। आज हम आपको घर में ही बताना सिखा रहे हैं, तो इसको बनाइए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं आप ही की जैसी मॉम्स की किचन से। ये गारंटी है हमारी,
कि आपकी रेसिपी भी ऐसी ही बनेगी। ये बन गया हमारा तवा सब्जी मसाला और इसको एक जार में भर के, एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए, जब भी आपको बनानी हो ये मसाला आप काम में लीजिए। और अब हमारी वेजिटेबल्स भी हो गई हैं यहाँ पे सॉटे। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, जिसको जो पसंद है वो ही इसमें तवा सब्जी में आप बनवा कर कुक करवा के खा सकते हैं अपनी मनपसंद वेजिटेबल। हाँ, ये कंपलसरी नहीं है आपको ये सारी डालनी है, आपको जो सब्जियाँ पसंद है इनमें से वो डाल के भी आप बना सकते हैं। आप लेडी फिंगर भी ले सकते हैं, टोमेटोज भी ले सकते हैं, आप कैबेज भी ले सकते हो, इसमें सब ले सकते हो जो भी आप वेजिटेबल खाना चाहें। देखिए हमारा गल गया बैंगन भी, सॉफ्ट हो गया। अब हम ये गैस ऑन कर रहे हैं, इस पर ये तवा रख रहे हैं हम, क्यों तवा सब्जी नाम है तो तवे पर ही बनेगी ये सब्जी। इसमें मैं एक टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए कितनी कलरफुल सब्जी है। कोई सी भी वेजिटेबल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वहाँ तवा सब्जी का मसाला भी रेडी है। अब मैं इसमें हींग डाल दी 1 पिंच, जीरा डाल रहे हैं इसमें 2 मिनट, हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मॉम, अभी से ही मन कर रहा है मेरा तो इसका खाने का। ये बहुत यम्मी लगती है, टेस्टी। नॉर्थ में तो हर, आप तुमने जैसे बोला था कि हर मैरिज में हर पार्टीज में होती है ये सब्जी, बहुत जरूरी होती है, कंपलसरी है। इतनी टेस्टी लगती है कि मज़ा आ जाता है। इसमें भिंडी भी डालिए, बहुत सारी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं। हमारा जीरा भी वहाँ पे क्रैकल होने लग गया है। गैस बंद, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। थोड़ा सा क्रंच रखिए इसको तो अच्छी लगेगी ये खाने में। अब जो भी आपको वेजिटेबल जो पसंद है आप इसमें से पिक करिए और यहाँ तवा सब्जी में आप मसाला डालकर और रेडी करिए। मैं सभी तरह की ले लेती हूँ सब्जियाँ। और ये ऐसा है कि आप इसको गर्मा गर्म, आप इसको क्रंच करके हम रखें और फिर गर्मा गर्म आप इसको सर्व करिए तो बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जी। आप इसमें टोमेटोज भी डाल सकते हैं। वाह, कलरफुल तवा सब्जी देखिए एकदम रेडी हो रही है। अब मैं इसमें ये मसाला स्प्रेड कर रही हूँ, आप जिस हिसाब से खाते हैं कम ज़्यादा आप उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। और मैं ये इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, देखिए कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, मन कर जाए, मन ललचा जाए। इसमें एक बैंगन भी ले लेते हैं हम, बैंगन मेरा फेवरेट है। तो चलाते रहिए और कितनी शानदार लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मॉम ने कितने अच्छे से मिक्स भी करा है। अच्छा, इसको फुल फ्लेम पर करेंगे तो इसका फ्लेवर डिफरेंट आएगा। फुल फ्लेम पर आप यदि सिंपल करें आपको लगेगा मसाला जल जाएगा तो सिंपल कर लीजिए, अदरवाइज फुल फ्लेम पर एकदम मसाला डाल के मिक्स करके वो गैस ऑफ कर दीजिए आप। सो मिक्स करते ही हमने गैस यहाँ पे ऑफ कर दिए। आहा, कितना मन कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। देखिए जो दिखता है वही बनता है, गारंटी। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आप ये सब्जी हमारे हिसाब से जैसे हमने बताई है वैसे ही बनाइए, बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। इसको खाइए और एंजॉय करिए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि ये अनएडिटेड वीडियोस हैं आपके लिए। सो एंजॉय करिए, अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।